हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोहित क्रिएशन। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ 10 एलईडी बल्ब एवरेडी कंपनी के, इनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो इसके अंदर किस तरह की एलईडी लगी हुई है, कितने वाट की लगी हुई है, इसके सर्किट का डिज़ाइन क्या है वो हम खोल कर आपको दिखाएंगे, क्या फॉल्ट आते हैं वो भी आपको इसके अंदर वीडियो में बताया जाएगा। तो उसके लिए पहले मुझे इनके डिफ्यूज़र खोलने होंगे। डिफ्यूज़र बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ही ज़्यादा टाइट है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लो लगी हुई है बहुत ज़्यादा सख्त लगी हुई है। तो इसके लिए मुझे वीडियो को 2 मिनट के लिए स्किप करना होगा और दिखाता हूँ आपको किस तरह की ग्लो है। ये देखिए मैंने सभी डिफ्यूज़र खोल लिए हैं, इसमें 0.5 वाट की LED लगी हुई है सभी में। और इसकी ग्लो की मैं बात करूँ तो ग्लो कितनी सख्त है ये आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सख्त है, खोलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। अगर आप पेचकस की मदद से बॉडी को मतलब डिफ्यूज़र हटाओगे तो बॉडी आप इस तरह से क्रैक कर लोगे, बॉडी ख़राब हो जाएगी। आप किसी अच्छे से हथियार से इसको खोलिए जो आपके पास हो, पेचकस से नहीं खोल पाएंगे एवरेडी की बल्ब। अब मैं आपको इनको चेक करके दिखा देता हूँ। मेरे पास है 220 वोल्ट की सीरीज, ये इसमें सीधे 220 वोल्ट आ रहे हैं बल्ब की मदद से, आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 220 वोल्ट है, एसी का बल्ब है। अब मैं आपको ये सभी बल्ब चेक करके दिखा देता हूँ। सभी बल्ब बंद हैं, अब चलिए इस बल्ब को खोल कर देखते हैं। मैं प्लास की मदद से इसकी B20 हटाता हूँ और चेक करते हैं सीरीज की मदद से। पहले देखिए एक तरफ इसके अंदर वायर है और एक तरफ फ्यूज रेजिस्टेंस, ये फ्यूज रेजिस्टेंस है, इसको कवर कर रखा है और ताकि आसपास से इधर उधर कहीं से टच ना हो, इसलिए इसे ब्लैक उससे कवर कर रखा है। अब हम चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। देखिए इसमें करंट तो जा रहा है मगर चल नहीं रहा, तो इसको हमें खोलना पड़ेगा, खोलने तो सारे ही बल्ब पड़ेंगे। ये हमने खोला, देखिए ड्राइवर इसका डिज़ाइन कैसा है, पीछे से थोड़ा काला सा हो रहा है, मतलब चला हुआ है, लाइट ज़्यादा चली हुई है। इसका ट्रांसफार्मर लूज है, इसके ट्रैक टूट रहे हैं, दो तीन पॉइंट हैं इसके ट्रांसफार्मर के, दो टूटे हुए। हम इन दोनों पॉइंटों को इस तरह से घिसकर लगा देंगे, सोल्डिंग कर देंगे, यहीं जहाँ से टूट रहे हैं वहीं पर इनको सोल्ड करना होगा, कहीं इधर उधर नहीं करना है। अब ये दो पॉइंट टूट रहे हैं, हमने इन दोनों पॉइंटों को घिस दिया है, अब हम इन दोनों पॉइंटों पे शोल्डर वायर चला देंगे। चलिए चलाते हैं, चलो इसकी LED हटा देता हूँ। ये जैक वाली LED है, आसान है इन्हें निकालना और लगाना, यूं ही लगा सकते हैं, आसानी से निकाल भी सकते हैं आसानी से, प्लस माइनस का इसमें झंझट ही नहीं, बस आपको जैसे निकाली वैसे ही लगेगी, दूसरी डायरेक्शन से लगेगी नहीं, प्लस प्लस में ही लगेगा। इसको हमने सोल्ड कर दिया, मैं एक बार दिखा दूँ आपको किस तरह से हमने सोल्ड करा है। ये पॉइंट इस ट्रैक से जोड़ दिया, ये वाला बहुत ही सावधानी से आपको इसके अंदर काम करना है, इधर उधर कहीं भी शोल्डर टच ना हो, इससे हमारा LED बल्ब ख़राब हो सकता है। ये हमने फिट किया, ये जल गया, बहुत ही अच्छी रोशनी है इसकी हवा की। इसको हम बॉडी में फिट कर देते हैं, वायर काटते हैं, Thank you.
गेम है D22, इसके अंदर लगा देते हैं। इसमें हम कोई फ्यूज नहीं लगाएंगे क्योंकि हम किसी भी रिपेयरिंग वाले बल्ब में फ्यूज नहीं लगाते हैं। अगर हम अपनी शॉप पर काम कर रहे हैं तो आपको ये लगाना चाहिए। ये हमारा रिप्लेस का माल है, मतलब ये हमारा क्वांटिटी में माल जाता है रिप्लेस का, तो इसके अंदर हम क्वांटिटी के हिसाब से काम करते हैं। अगर हम कोई हमें भी काटते हैं तो हम डालते नहीं है, नहीं लगाते, हम उसे काट के ही शॉर्ट करके मतलब ऐसे ही लगा कर दे देते हैं डायरेक्ट। ये हमारा LED बल्ब चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं अलग रख देता हूँ, बढ़िया जल रहा है एकदम। अब लेते हैं अगला बल्ब, इसको खोलते हैं फ्लास्क की मदद से। इसमें भी फ्यूज है और एक तरफ वायर। इसकी MOV खराब है, खोलते हैं इसको। इसमें बल्ब जल रहा है, इसमें 2 MOV लगी हुई है, एक AC की तरफ एक DC की तरफ। हम चेक करेंगे तो बल्ब जलेगा, चाहे वो AC की तरफ की हो या DC की तरफ की हो। तो हम अंदाज से MOV को काट कर देखते हैं कौन सी MOV खराब है। दूसरी वाली खराब है, इसे भी काटते हैं। अगर आप अपनी शॉप पर किसी की LED बल्ब रिपेयर कर रहे हैं तो MOV काटो मत, उसके अंदर नई MOV लगा दो अगर आपकी MOV खराब है तो। साथ ही साथ फ्यूज भी लगाएं, इससे आपकी LED बल्ब की लाइफ बरकरार रहेगी। इसको हम बॉडी में फिट कर देते हैं। MOV को चेक करने का एक तरीका ये भी है, जैसे किसी में 2 MOV लगी हुई है तो आप उसको खोल लो, और सीरीज के जैसे आप तार लगाओगे तो जोन सी खराब होगी वो गर्म हो जाएगी, आप उसे को काट दो वो चल जाएगी। इसमें भी MOV का फॉल्ट है। इसमें आपको बल्ब दिखा देते हैं किस तरह से हमें पता चल रहा है कि MOV का फॉल्ट है। इसको चेक करते हैं, देखिए बल्ब जलेगा, देखिए बल्ब जल रहा है पूरा। उसको हम खोलते हैं, ये देखिए इसकी MOV ये वाली खराब है, काली पड़ रही है, अलग ही दिखाई दे रही है। जो दिखाई दे रही है काली हो रही है वो तो है ही, इसको हम काट देंगे, इससे हमारा LED बल्ब तुरंत चालू हो जाएगा। अब देखिए एकदम बेहतरीन चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको बॉडी फिट करके रख देते हैं। सभी में B22 लगाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। मेन मोटिव है बस इनमें फॉल्ट क्या आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं। इनके मैं डिफ्यूजर हटा देता हूँ, परेशान कर रहा हूँ। ये खोलते हैं इसमें क्या है, चेक करते हैं। इसमें सिर्फ फ्यूज का फॉल्ट था, MOV ठीक है, अलग रख देते हैं। इसे खोलते हैं, इसमें MOV का फॉल्ट है, इसे खोल कर चेक करते हैं। MOV का फॉल्ट और ब्रिज का फॉल्ट दोनों सेम से ही होता है। अगर MOV काटने पर आपके LED बल्ब नहीं जल रही है, मतलब LED बल्ब नहीं जल रहा है और बल्ब जल रहा है 100 वाट का बल्ब जल रहा है, तो इसके अंदर आपका ब्रिज भी ख़राब हो सकता है, तो आपको ब्रिज भी डालना पड़ सकता है। जैसे इसके अंदर बल्ब जल रहा है तो इसकी MOV काट कर देखते हैं, अगर MOV काटने से जलती है तो ठीक है, नहीं तो ब्रिज भी डालना पड़ सकता है। इसकी MOV ही ख़राब थी,
यह मूवी काटने से ही चल गया। इसको खोलते हैं। ज़्यादातर LED बल्ब में MOV का ही फॉल्ट आ रहा है, इसमें भी MOV है, तो हमें इससे ये पता चल जाता है 10 बल्ब से ही कि कितने परसेंटेज में, मतलब कितना परसेंटेज माल बन सकता है, क्या फॉल्ट आ रहा है LED के बल्ब में। इसमें ट्रांसफार्म का भी फॉल्ट आता है, जैसे ये टूट रहा है, इस तरह के ट्रैक टूटे हुए आते हैं। इसमें फ़िलहाल ऐसा नहीं है, तीन ही तरह के फॉल्ट आते हैं, MOV, फ्यूज और ट्रांसफार्म के ट्रैक। तीसरा, कभी कभी ये हाफ वाट की जो LED ये भी ख़राब आती है, जिनको दो LED बल्ब को शॉर्ट करना होता है जिससे हमारा LED बल्ब चलता है। ये भी चल रहा है, MOV का फॉल्ट है, काट देते हैं तार के साथ, चेक करते हैं। आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो किस तरह की कैसी लग रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो LED बल्ब का रिपेयरिंग का काम करता हो उसके साथ। और LED बल्ब से रिलेटेड बिजनेस के बारे में हमारे पास और भी, इसकी MOV बल्ब ब्रिज रेक्टिफायर खराब है, MOV काटने से नहीं जल रहा है, इसका ब्रिज खराब है। दूसरा बल्ब लेते हैं, इसको खोलते हैं। LED बल्ब का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो, आप उनको भी देख सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी ये वाली MOV ख़राब है, चेक करते हैं, काट कर काली सी पट रही है। जी हाँ, यही ख़राब है। अब लेते हैं पूरे, इसको खोलते हैं। ज़्यादातर फॉल्ट MOV का ही आ रहा है। हम ये रिप्लेस लेते हैं, 10 बल्ब उठाते हैं, इनसे हमें ये पता चल जाता है इसके अंदर कितने परसेंटेज माल बनेगा। सबसे ज़्यादा फॉल्ट MOV, दूसरा फ्यूज, तीसरा ट्रैक प्रॉब्लम और एक ब्रिज रेक्टिफायर का भी आया। इसको देखते हैं चलता है नहीं, चल गया। MOV काटने से ही बल्ब जल गए हैं। अगर हम MOV लगाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय हमारा ख़राब हो जाएगा। हम जो क्वांटिटी को अचीव करते हैं, मतलब जो हम क्वांटिटी को लेकर चलते हैं, एक दिन में हमारे को 200-250 पीस बनाने होते हैं, वो अगर हम MOV डालने में और फ्यूज लगाने में लगा देंगे तो हमारे, हम इतने बल्ब तक रिपेयरिंग पर नहीं पहुँच पाएंगे। फ्यूज हम नहीं लगाते हैं क्योंकि फ्यूज लगाने से हमारे को समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और MOV लगाने से भी, तो हम इन्हें काट देते हैं और सीधे ब्रिज पर तार लगाकर चालू कर देते हैं। इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट है, सर्किट तो साफ से लग रहा है, यह MOV ख़राब है, इसकी भी काली पट रही है। तो ज़्यादातर फॉल्ट MOV का ही आ रहा है, एक ही फॉल्ट आया जो ब्रिज का है, जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है हमारा, उसे हमने अलग रख रखा है। इसको देखते हैं क्या है इसमें, इसको खोलते हैं। इसको चेक करते हैं, इसमें बस फ्यूज का ही फॉल्ट था, ये भी चल गई। आपको दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और देखनी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं अपने चैनल पर। ओके दोस्तों, बाय बाय।